11 महीने की बच्ची को लगा था 16 करोड़ का इंजेक्शन, मिली लाखों लोगों की दुआएं, बीमारी से खूब लड़ी, लेकिन हार गई जिंदगी की जंग। इस बच्ची का नाम वेदिका शिंदे है, जिसे दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी थी। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 कहा जाता है। पुणे की इस बच्ची को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जोलगेंज्मा नाम के एक इंजेक्शन से ही संभव है। जोलगेंज्मा दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। इससे पीड़ित बच्चा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि वह मांसपेशियों की गतिविधियों पर अपना कंट्रोल खो देता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है जो जीन में गड़बड़ी होने की वजह से अगली पीढ़ी में पहुंच जाती है। वेदिका जब 8 महीने की थी, तब उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी ने घेर लिया था। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए जी जान से कोशिशें की। उसके इलाज के लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन का इंतजाम करने के लिए क्राउड फंडिंग से पैसे इकट्ठे किए गए। करोड़ों रुपए के इस इंजेक्शन को खरीदने में मदद करने के लिए दुनिया भर से लोगों ने अपना योगदान दिया था। वेदिका को 1.5 महीने पहले यह इंजेक्शन दिया गया था। अमेरिका से आए इस इंजेक्शन के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी थी। इंजेक्शन लेने के बाद वेदिका की हालत सुधरने लगी थी, लेकिन सांस लेने में अचानक दिक्कत होने पर बच्ची को 1 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।